आइए भक्तों, शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको एक नारियल की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समर्थ थे। ये हालांकि इनके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र मित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब पता चला तो उन्हें ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वाले उन्होंने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद दिया और कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर हर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे ऋषि, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं, कृपा करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देखा राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए और तुरंत उस रास्ते पर चले गए और स्वर्ग लोक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत से ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर विश्वामित्र गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्ग लोक बनाया गया। नए स्वर्ग लोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्ग लोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्ग लोक के राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी कि उन्हें डर था कि नया स्वर्ग लोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्ग लोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्ग लोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल के पेड़ का जानने लगा। राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है नारियल के पेड़ इतना लंबा होता है। इसी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर बच्चे मन से किसी भी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। कथा समाप्त।